हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आई है पल्सर 150 cc। तो आपको दिखाएंगे कि फुल इंजन कैसे करते हैं। तो चलिए हम फिटिंग करते हैं। फिर इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। आप देख सकते हैं ये हमारी जो गियर की गियरियाँ हैं वो पड़ी हुई है, तो इसको हम फिट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी गियर है इसको हम फिट करेंगे। चलिए इसको फिट करते हैं। इसमें ये वाली वॉशर होती है, ये हम वॉशर डालेंगे। उसके बाद ये जो ग्रारी होती है इसकी, ये हम डालेंगे। आप देख सकते हैं सिंपल से बैठ चुका है ये। तो चलिए फिट हो चुका है। हम दूसरी ग्रारी जो है ये फिट करेंगे। ये हमारी दूसरी ग्रारी है, इसको हम फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल होता है ये। अगर हम इसको ऐसे फिट करेंगे तो प्ले ज़्यादा होगी, गियर हमारे काम नहीं करेंगे। तो हम इसको ऐसे फिट करेंगे। ये बैठ चुका है, तो इस पर एक छोटा सा बुश होता है, ये हम फिट करेंगे इस पर। उसके बाद ये जो हमारी ग्रारी है ये हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये बैठ चुका है बिल्कुल। अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये बैठेगा नहीं, तो इसको हम सीधा लगा लेंगे। देख सकते हो ये बैठ चुका है। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं। इसका ये जो दूसरा गियर होता है इसको हम चढ़ाएंगे इस पर। ये हमारी जो गियर बॉक्स है ये फिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी गियर है, गियर बॉक्स, इसको हम फिट करेंगे। गियर बॉक्स बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। तो उसके बाद ये जो हमारे स्लाइडर होते हैं, ये स्लाइडर हम बिठाएंगे। ये जो वो छोटा वाला स्लाइडर होता है उसको हम यहाँ पर बिठाएंगे। चलिए हम स्लाइडर बिठाते हैं। तो ये स्लाइडर छोटा वाला हम फिट करेंगे। तो उससे पहले ये जो स्लाइडर पिन होती है इस पर हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। तो ये जो हमारे बड़े वाले स्लाइडर हैं इसको हम बिठाएंगे। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्लाइडर है ये बिल्कुल बैठ चुका है। तो इस पर ये जो स्लाइडर पिन लगी होती है ये पिन हम इस पर लगाएंगे। चलिए स्लाइडर पिन हम लगा लेते हैं। तो ये जो हमारी स्लाइडर पिन है ये बिल्कुल बैठ चुकी है। इसके बाद हम ये जो क्रैंक है हम ये बिठाएंगे क्रैंक। तो चलिए हम ये जो क्रैंक है इसको बिठा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारी क्रैंक है ये बिल्कुल बैठ चुकी है। तो इस पर जो पैकिंग लगता है ये हम बिठाएंगे। चलिए हम पैकिंग बिठा लेते हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी क्रैंक है बैठ चुकी है। उसके बाद ये जो हमारा पैकिंग है इसको हम बिठाएंगे, ये हमारा पैकिंग। तो उसके बाद ये जो हमारा चैम्बर है दूसरा वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किक स्प्रिंग बिठाएंगे इसका। तो चलिए हम इसका किक स्प्रिंग बिठा लेते हैं, उसके बाद इसको फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी किक स्प्रिंग है इसको हम टापे में फिट करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी ग्रीस लगा लेंगे। चलिए हम इस पर ग्रीस लगा लेते हैं। इसको अच्छे से ग्रीस लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको टापे में फिट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा टापा है, इस पर हम लगाएंगे और ये बड़ी आसानी से बैठ जाता है। ये बिल्कुल बैठ चुका है। इस पर हम ये जो ग्रीस है ये लगाएंगे। चलिए हम चैम्बर फिट करते हैं। हमारा ये जो चैम्बर होता है ये बिल्कुल प्यार से बैठ जाता है। इसको हल्का सा थोड़ी मारेंगे।
आप देख सकते हैं हमारा ये जो चैम्बर है ये बिल्कुल फिट हो चुका है। तो इस पर हम ये जो नट है ये लगाएंगे, हम इसमें 8 नंबर के बोल्ट रखते हैं, ये लगा लेंगे हम इसके। इसमें टोटल 8 नट होते हैं 8 नंबर के, तो ये सारा हम लगा लेंगे। उसके बाद ये जो 10 नंबर की नट होती है उसको हम लगाएंगे यहाँ पे, इसको बिल्कुल फुल टाइट कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे सारे नट हैं ये बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे पीछे एक 10 नंबर का नट लगता है, तो ये 10 नंबर का नट यहाँ पे लगेगा। चलिए इसको फुल टाइट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटी सी पिन है ये क्रैंक में लगेगी, तो ये जो पिन है इसको हम लगा लेते हैं। ये जो हमारा पिन है ये बैठ चुका है। उसके बाद ये जो उसकी गिरारी होती है उसको हम फिट करेंगे। तो ये जो गिरारी है इसकी ये बिल्कुल बैठ चुकी है। उसके बाद ये जो क्वार्टर होता है ये हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरारी है, यहाँ पे एक निशान है, ये जो सीजी गियर है हमारी इसका टाइमिंग होता है, ये इसी का निशान है। तो इसको बिल्कुल निशान पे ही रखेंगे हम। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। ये जो हमारी गिरारी है ये बैठ चुकी है, बिल्कुल बैठ चुकी है। तो चलिए उसके बाद ये जो हमारी किक शावर है वो हम फिट करेंगे। तो चलिए ये जो हमारी किक शावर है इसको हम बिठाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल से बैठ जाता है, ये जो कट बना हुआ है नीचे स्प्रिंग होता है उस पर हम बिठाएंगे इसको, और पीछे की तरफ इसको घुमाएंगे। आप देख सकते हो ये जो हमारा किक शावर है ये बिल्कुल बैठ चुका है, ये बिल्कुल काम कर रहा है आप देख सकते हो। तो चलिए जो एडलर गियर होता है यहाँ पे बैठता है वो हम फिट करते हैं। ये जो हमारा एडलर गियर है ये हम बिठाएंगे इस पर, बिल्कुल आसानी से बैठ जाता है ये। ये इसकी पत्ती है तो इसको हम फिट करेंगे, पत्ती बिठा लेंगे। उसके बाद ये जो 8 नंबर का नट होता है ये हम इस पर बिठाएंगे, तो इसको फुल टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फुल टाइट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी स्प्रिंग है इसको हम बिठाएंगे। चलिए बिठा लेते हैं इसको। तो ये पीछे की तरफ बैठ गया, इसको आगे बिठाएंगे प्लास की मदद से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैठ चुका है। उसके बाद ये जो हमारा गियर शावर है वो हम बिठाएंगे। तो ये जो हमारा गियर शावर है ये हम बिठाएंगे, तो चलिए हम बिठा लेते हैं इसको। ये हमारी गियर शावर बैठ गई है। उसके बाद ये जो हमारी टाइमिंग चेन है ये हम बिठाएंगे इस पर, तो चलिए हम बिठा लेते हैं। ये जो हमारी टाइमिंग चेन है ये बैठ चुकी है। अब ये जो हमारी जीपीटी गियर है इसको हम बिठाएंगे, तो चलिए हम इसको बिठा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी जीपीटी गियर है ये बैठ चुकी है। अब ये जो बेल है हम इस पर फिटिंग करेंगे, तो चलिए इसको फिट कर लेते हैं। ये हमारा बेल है, इसको हम बिठा लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल बैठ चुका है। तो इस पर क्लच प्लेटें पड़ती है वो बिठाएंगे। ये हमारी हब और सेंटर है, इस पर क्लच प्लेटें पड़ेंगी। ये वॉशर लगती है इसके पीछे, ये वॉशर लगाएंगे हम। ये वॉशर बैठ चुकी है, इस पर हम क्लच प्लेटें फिटिंग करेंगे।
और ये स्टील प्लेटें होती है। तो चलिए हम क्लच प्लेट फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा हब आ चुका है, उसके बाद ये जो हमारी प्लेटें हैं इसको फिट करेंगे। ये जो स्टील की प्लेटें और क्लच की प्लेटें होती है इसको एक के बाद एक ऐसे बिठाते हैं। तो ये जो क्लच प्लेट है ये सबसे ऊपर आएगा और ये क्लच सेंटर होता है, इसको हम बिठाएंगे इस पर। तो आप देख सकते हैं ये पूरा बैठ चुका है, तो इसको अब हम फिट करेंगे। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं। तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। जो हमारे क्लच प्लेट हैं ये बिल्कुल बैठ चुके हैं। इस पे जो स्प्रिंगें लगी होती है, 5 स्प्रिंगें, इसको हम बिठाएंगे। तो चलिए हम इसको बिठा लेते हैं। ये हमारी स्प्रिंगें हैं, इसको हम बिठा लेंगे। तो अब हम ये जो लिफ्टर है इसका ये फिट करेंगे। चलिए हम लिफ्टर फिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी क्लच प्लेट है ये बिल्कुल बैठ चुकी है। ये जो इसका लिफ्टर होता है ये हमने बिठा दिया। तो इसको ये जो नट है हमारे 10 नंबर के, इसको हम आमने सामने टाइट करेंगे। अगर हम साइड से टाइट करेंगे तो नट जो है वो टूट सकता है। तो इसको चलिए हम इसको फुल टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो अब इसका ये जो नट है क्लच का ये हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कट बना होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये उल्टी चूड़ी का होता है, ध्यान रखें। सबसे पहले ये जो वॉशर है ये लगाएंगे हम, उसके बाद ये जो नट है उल्टी चूड़ी का ये लगाएंगे। तो ये जो हमारा नट है ये बिल्कुल बैठ चुका है। उसके बाद ये जो वेट होता है हमारा ये लगाएंगे। इस पर भी पूरा सेम ही नट होता है लेकिन इस पर कट नहीं बना होता है, ये सीधी चूड़ी का होता है। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं। इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा नट है बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो इसका वेट है, ये जो कवर होता है ये हम लगा लेंगे। इस पर 3 नट पेचकस वाले लगे होते हैं, ये हम लगाएंगे। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं, इसको हम पेचकस के साथ टाइट कर लेंगे। ये जो है हमारा नट टाइट हो चुका है, उसके बाद ये जो हमारी क्लच का बैरिंग होता है इसको हम लगाएंगे। ये क्लच का बैरिंग हमारा बैठ चुका है, उसके बाद ये जो सीसी गियर का कवर होता है ये हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये जो सीसी गियर का कवर है इसको हम लगाएंगे। इस पर 3 नट लगे होते हैं, तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं। तो 8 नंबर की टी कोटी से टाइट करेंगे हम। ये जो हमारा क्लच का पैकिंग है ये हम फिट करेंगे। तो ये जो हमारा क्लच का पैकिंग है ये बैठ चुका है, उसके बाद ये जो हमारा टापा है क्लच टापा, इसको हम फिट करेंगे। अब देख सकते हो ये बिल्कुल बैठ चुका है। तो चलिए इसमें हम नट लगा लेते हैं। ये जो हमारे 8 नंबर के नट है इसको हम लगाएंगे इस पर। इसमें टोटल 12 नट लगे होते हैं। तो चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्लच का नट हमारा जो क्लच का नट था ये टाइट हो चुका है। तो चलिए हम इसको पिस्टन फिट करेंगे।
पिस्टन फिट करने से पहले ये जो पैकिंग होता है इसको हम साफ कर लेंगे। तो चलिए ये जो हमारे डबल बुश होते हैं इसको हम फिट करेंगे। और बुश यहाँ पे लगेगा और दूसरा बुश यहाँ पे भी लगेगा। तो चलिए हम फिट कर लेते हैं इसको। इसके बाद ये जो पैकिंग है ये लगेगी, तो चलिए ये फिट कर लेते हैं। ये जो टाइमिंग चेन है इसको बाहर निकाल लेंगे हम, तो इसको अच्छे से हम बिठा लेंगे। तो कई मिस्त्री ऐसे होते हैं कि इस पर त्रिकोण लगा देते हैं। जब हम किट बिठाते हैं उसके बाद जब इसके इंजन के नट टाइट होते हैं तो क्या होता है कि जब टाइट होने की वजह से ये गीला हो जाता है, उसकी वजह से पैकिंग फट जाता है। तो हमें जो ट्यूब है ये लगानी नहीं चाहिए, इसको बिल्कुल सूखा रखना चाहिए ताकि ये फटे ना। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी किट पिस्टन है ये हम इस पर फिट करेंगे। तो चलिए पहले पिस्टन फिट करेंगे। तो कैसे फिटिंग होती है ये आपको हम दिखाएंगे। तो ये जो हमारा पिस्टन है इसमें लॉक भी होते हैं, तो ये लॉक हम इस पर फिट करेंगे। चलिए इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा किट और पिस्टन है, देख सकते हैं इसको हम फिट करेंगे। तो चलिए इसको फिट करते हैं हम। सबसे पहले ये जो स्टड है इस पर हम चढ़ाएंगे, उसके बाद इसका ये जो पिन है इसको हम इसके अंदर घुसाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी पिन है ये बैठ चुका है। अब ये जो इसका लॉक है इसको हम बिठाएंगे। चलिए हम इसको बिठा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका लॉक है बड़ी प्यार से बैठ चुका है। तो इसकी जो फिट है इसको हम आप इसको बिठाएंगे। तो चलिए हम बिठा लेते हैं। ये जो टाइमिंग चेन है हमारी इसको ऊपर की तरफ हम खींच लेंगे। देख सकते हैं ये जो हमारी किट है ये बैठ चुकी है। हम पिस्टन को टॉप में कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये टॉप हो चुका है इसका। अब ये जो हमारा गाइड है इसको हम फिट करेंगे। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं। ये बैठ चुका है, इसका ये जो बुश होता है इसको हम बिठाएंगे इस पर। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा बुश है ये हमारा बुश बैठ चुका है। दूसरा बुश यहाँ पर लगेगा हमारा, बैठ गया। इसके बाद सिलेंडर पैकिंग लगती है इसमें, ये पैकिंग हम इस पर लगाएंगे। तो चलिए हम इस पर सिलेंडर पैकिंग लगाते हैं। तो ये पैकिंग इस तरह से आएगा। ये हमारी डैमेज चेन है, इसको खींच लेंगे ऊपर की तरफ। और हमारी ये जो पैकिंग है इसको हम बैठाएंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारी पैकिंग है ये बड़ी आराम से बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर हम हेड फिट करेंगे। तो चलिए ये हमारा हेड है इसको हम फिट करेंगे। टाइमिंग चेन को हम ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तो ये जो हमारी टाइमिंग चेन है ये ऊपर की तरफ आ चुकी है। और ये जो हेड है इसको हम दिखाएंगे।
तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेड है ये बैठ चुका है बिल्कुल। अब हम इस पर ये जो डाइविंग चेन है इस पर हम केम फिट करेंगे जो इसकी टाइमिंग होती है। तो चलिए हम केम फिट कर लेते हैं। ये जो केम है इसकी यहाँ पे टाइमिंग दी होती है, तो चलिए इसको हम फिट करते हैं। ये इसकी टाइमिंग है, टी वाला साइड ऊपर जाएगा। तो ये जो हमारा केम है ये बैठ चुका है। ये जो ऊपर का हेड का कवर होता है ये हम बिठाएंगे। चलिए हम बिठा लेते हैं। हेड कवर फिट करने से पहले ये जो थ्री बॉन्ड होती है हमारी इस पर हम लगाएंगे, क्योंकि इस पर पैकिंग नहीं आती है, इस पर हम खाली बॉन्ड ही लगाएंगे। चलिए इस पर बॉन्ड लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये जो बॉन्ड है हमारा लग गया इस पर। तो चलिए ये जो इसकी टिक्की होती है इस पे हम लगाएंगे। पीला कपड़ा लेके वहां पे मोड़ कर दो। ये हमारी टिक्की है, इस पे बॉन्ड लगा दिया, तो इसको हम फिट करेंगे। ये बैठ चुका है। उसके बाद ये जो इसका कवर है इसको हम बिठाएंगे इस पर। चलिए हम इसको फिट करते हैं। तो ये जो है हमारा कवर बैठ चुका है, तो इस पर अब हम नट लगाएंगे। ये हमारा वाशल है, ये हम लगा लेंगे। उसके बाद ये जो स्टड है ये हम लगाएंगे। इसके हेड के नट पे इसको हम लगा लेंगे। उसके बाद आठ नंबर के जो नट होते हैं वो हम लगाएंगे। तो चलिए ये जो आठ नंबर के नट है इसको हम लगाएंगे। ये टोटल छः नट होते हैं, इसको हम लगा लेंगे। तो इसको हम फुल टाइट करेंगे। चलिए टाइट करने के उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये जो हमारे नट हैं ये सारे टाइट हो चुके हैं। उसके बाद ये जो टैपेट नट होता है इसको हम खोलेंगे। इसको खोलने के बाद इसको सेट करेंगे टैपेट नट को। चलिए इसको खोल लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टैपेट नट है ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसके जो नट है ये हम लगा लेंगे इस पर। तो आप देख सकते हैं हमारा फुल इंजन हो चुका है। तो पल्सर का इंजन ऐसे करते हैं।